तो यार गाइस, आज मुझे सिंचेन और चोप ने एक चैलेंज दी है कि मुझे यहाँ से कूदना है और स्विमिंग पूल को पार कर जाना है। अरे यार प्रिंकलिन भैया, क्या देख रहे हो यार, दम है तो पार करके दिखाओ ना। अबे यार सिंचेन, इतनी छोटी सी चैलेंज कोई देता है किसी को क्या? इस चैलेंज को तो भाई सब कोई भी पार कर सकता है। अरे यार प्रिंकलिन भैया, सोच लो यार सोच लो, अगर तुमने छलांग लगा करके स्विमिंग पूल नहीं पार कर पाया तो मेरे को और चोप को तुमको खिलौने खरीदने पड़ेंगे यार। अबे यार सिंचेन, अगर पार कर गया तो क्या होगा ये बताओ, क्योंकि ये वाली चैलेंज तो भाई साहब मैं इजी बहुत ही आसानी से पार कर जाऊंगा। अबे यार फ्रैंकलिन, तू सबसे पहले इस चैलेंज को कंप्लीट करके तो दिखाओ। अगर तुमने छलांग लगा के इस स्विमिंग पूल को पार कर दिया ना, तो अपन लोग तुमको कभी भी खिलौने खरीदने के लिए नहीं बोलेंगे, समझ गया ना तू? अरे यार चोप, इतनी छोटी सी तो बात है यार, बस मेरे को छत से यहाँ पे कूदना है। अरे यार गाइस, ये भाई सब स्विमिंग पूल का एरिया है और मुझे यार स्विमिंग पूल के एरिया को पार करके इस जगह पे लैंड करना है, और भाई साहब मैंने तो यार छत के ऊपर टेबल भी लगा रखी है। अबे यार चोप और सिंचेन, अभी भी टाइम है, तुम लोग चाहो तो इस वाले चैलेंज को कैंसिल कर सकते हो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, आज मेरे को और चोप को खिलौना खरीदना है यार, तुम इस चैलेंज को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हो। मैं और चोप रात में ट्राई कर रहा था, लेकिन हम लोग दोनों पानी में ही गिर जा रहे थे यार, इसलिए भाई साहब तू भी इस चैलेंज को कंप्लीट नहीं कर सकता है, तू यार जल्दी से ट्राई कर ले। ओके यार सिंचेन, ये वाली चैलेंज तो भाई साहब बच्चों की चैलेंज है, इसको तो यार कोई भी पूरा कर सकता है। वैसे यार गाइस, ये लोग मेरे को बहुत ही आसान चैलेंज दिए हैं, मैं यार एक बार इसको पूरा कर लूँ ना, उसके बाद भाई साहब सिंचेन और चोप मेरे को कभी भी नहीं बोलेंगे कि यार मेरे को खिलौने चाहिए। लेकिन यार गाइस, अगर मैं पार नहीं कर पाया ना, तो भाई साहब मेरे को खिलौने खरीदने पड़ेंगे। लेकिन कोई बात नहीं यार गाइस, मेरे लिए ये चैलेंज तो भाई साहब बहुत ही इजी है, अब तो चला यार मैं सीधे कूदने के लिए, और भाई साहब ये कूद गया। अरे यार मैं तो यार पानी में भी नहीं गिर पाया। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, तुम तो यार हार गए यार चैलेंज को। अरे यार तू तो स्विमिंग पूल में भी कूद नहीं पाया यार। अबे हाँ यार फ्रैंकलिन, चल भाई साहब तू चैलेंज हार गया है, अपन लोग को जल्दी से खिलौने खरीद दे यार। अबे यार चोप, मैं तो यार ट्राई कर रहा था, देख रहा था कि कितना गड्ढा है मेरा स्विमिंग पूल में, मैं यार एक बार फाइनल अटेम्प्ट दूंगा, समझा ना, एक बार और ट्राई करूंगा, उसके बाद तुम लोग यार जो भी बोलना है बोल लेना। अबे यार फ्रैंकलिन, तू तो यार चीटिंग कर रहा है, चीटिंग। चल कोई बात नहीं, एक बार और तेरे को चांस दे ही देता हूँ, अब की बार अगर तू पार नहीं कर पाया ना स्विमिंग पूल को, तो भाई सब चुपचाप से अपन लोग के लिए खिलौने खरीदने के लिए निकल जाना, समझ आया ना तेरे को? अबे ठीक है यार चोप, इस बार तो भाई साहब मैं पक्का ही पार कर जाऊंगा। अरे यार गाइस, एक बार भाई साहब मेरा पैर फिसल गया यार, इस वजह से भाई साहब मैं धड़ाम से गिर गया नीचे। लेकिन यार गाइस, इस बार तो भाई साहब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इतना ऊपर कूदूंगा ना कि सीधे उस पार पहुंच जाऊंगा, और भाई साहब मुझे खिलौने खरीदने की टेंशन खत्म, अब मैं चला यार सीधे कूदने के लिए, और भाई साहब ये कूद गया मैं। अरे यार गाइस, फिर यार मैं गिर गया पानी के नीचे, इस बार यार थोड़ी दूर आया था मैं, लेकिन यार मैं पार नहीं कर पाया। अबे यार चोप, भाई साहब मैं अभी भी ट्रायल ले रहा हूँ, समझा ना। अबे यार फ्रैंकलिन, चल तेरा चीटिंग खत्म, समझा ना। भाई साहब तू दो अटेम्प्ट दिया और दोनों अटेम्प्ट में तुमने फेल कर गया, समझ आया ना, तू यार इस चैलेंज को हार गया, अब चुपचाप से भाई साहब मेरे को और सिंचेन को जल्दी से खिलौने खरीद दे। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, अरे यार कितना चीटिंग करोगे यार, तू भाई साहब दो बार ट्रायल लिया, दोनों बार फेल कर गया यार, मुंह क्यों छुपा रहा तू, जल्दी से ऊपर आ, अपन लोग कुछ नहीं जानने वाले हैं, हम लोगों को खिलौने चाहिए तो चाहिए। अबे यार सिंचेन और चोप, मेरे पास यार पैसे नहीं है यार, मैंने यार कल ही तो मॉन्स्टर कार खरीद ली है। अबे यार फ्रैंकलिन, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मॉन्स्टर कार बेच करके अपन लोग के खिलौने खरीद दे, तू चैलेंज हार गया है, समझा ना। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, चलो यार चलो, कुछ नहीं जानता हूँ हम लोग, खिलौने चाहिए तो चाहिए। ठीक है यार सिंचेन और चोप, आ जाओ आ जाओ, मुझे पता है कि मैं चैलेंज हार गया हूँ, तुम लोग मानोगे नहीं। वैसे यार गाइस, मैं यार इतनी आसान चैलेंज को भी हार गया, मुझे यार बिलीव नहीं हो रही है कि मैंने यार छलांग नहीं लगा सका। अगर यार मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर देता ना, तो भाई साहब मुझे पूरी लाइफ कभी भी सिंचेन पिंचेन और चोप के लिए कोई भी खिलौने नहीं खरीदने होते। बहुत बड़ी चैलेंज थी यार मेरे लिए, लेकिन यार गाइस मैं यार इसे बहुत ही आसान तरीके से ले लिया,
और यार गाइस मैं यार इस चैलेंज को कंप्लीट भी नहीं कर पाया। और ये देखो यार गाइस, मुझे यार अब इस गाड़ी को बेच करके खिलौने खरीदने पड़ेंगे इन लोगों के लिए, क्योंकि यार मैं चैलेंज हार गया हूँ। और भाई साहब मैंने यार इसको पूरे 1 करोड़ रुपए में खरीदा था, देख रहे हो यार गाइस क्या ही खतरनाक गाड़ी है भाई साहब, ट्रेन की इंजन है इंजन। लेकिन यार गाइस मुझे अभी से बेचना पड़ेगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, तुम चैलेंज हार गए हो समझा ना, बेच करके अपन लोग को खिलौने खरीदो या फिर पैसे दे करके। अबे यार ठीक है चला जा गाड़ी में बैठ जाओ। तो यार गाइस अब हम चोप और सिंचन तीनों जा रहे हैं भाई सब चोप और सिंचन के लिए खिलौने खरीदने के लिए। और ये देखो यार गाइस, भाई सब ट्रेन की इंजन है इंजन, बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। अगर कोई गाड़ी भाई सब इसके नीचे आ गई ना तो उसको कचूम्बर बना देगा ये वाली गाड़ी, बहुत ही ज्यादा भारी भरकम है, देख रहे हो यार गाइस। और इसके टायर इतने ज्यादा पावरफुल है कि पूछो ही मत। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने आए हैं यार ट्रेवर के गांव में। देख भाई सिंचन, मैं तेरे को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास यार कोई भी पैसे वगैरह नहीं है। अगर यार ये वाली गाड़ी बिक गई, यानी कि गाड़ी लेकर के तुम लोगों को खिलौना मिला, तो भाई साहब मैं ये वाली गाड़ी दे दूंगा, वरना यार मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अबे यार फ्रैंकलिन, क्या बोला तू, भाई साहब खिलौने नहीं खरीदेगा? अरे यार मेरे को कुछ भी पता नहीं है, अपन लोगों को खिलौने चाहिए ही चाहिए, तू यार चैलेंज हार गया समझा ना। और वो देखो भाई साहब दुकान के पीछे खिलौने बिक रहे हैं। अरे हाँ यार देख रहा हूँ। आजकल भाई साहब ये दुकान वाला अपने खिलौने यार दुकान में नहीं रखता है, पीछे क्यों बेच रहा है यार आजकल ये? अरे यार फ्रैंकलिन भैया, ढेर सारे खिलौने हैं यार, देखा तुमने भाई साहब, छोटे छोटे भी खिलौने हैं और बड़े बड़े भी खिलौने हैं यार। अबे यार सिंचन, मैं तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए छोटे खिलौने ही खरीदूंगा, बड़े वाले खिलौने के बारे में यार तुम पूछना भी मत। ये देखो भाई साहब एक और चोप बैठा है इस मालिक के साथ में। अबे यार फ्रैंकलिन, बर्गर वाली खिलौना भी है यार। अरे हाँ यार चोप, पता है। अरे भाई साहब मेरा ये मॉन्स्टर कार लेकर के कुछ खिलौने दे सकते हो क्या तुम? अरे हाँ हाँ, दो खिलौने मिल जाएंगे तुमको, दो खिलौने चाहे जो भी ले लेना, तेरा ये मॉन्स्टर कार अपन रख लेगा। चलो यार सिंचन और चोप, फाइनली तुम लोगों के लिए दो खिलौने मैं खरीद ही सकता हूँ, मेरा मॉन्स्टर कार तो गया। एक खिलौना यार मैं ये वाला खरीदना चाहता हूँ, ये वाला भी यार बहुत ही मस्त है। अबे यार चुप, तू ये वाला खिलौना रखेगा क्या? अबे हाँ यार फ्रैंकलिन, ये वाला खिलौना मैं रखूंगा यार, इसको बर्गर खिलौना बोलते हैं। अबे यार चुप, बर्गर खिलौना नहीं, बर्गर कार बोलते हैं इसको। और ये देखो भाई साहब कार, लेकिन यार मैं इसे खरीद ही नहीं सकता हूँ। अबे यार सिंचन, ये ग्रीन वाली खिलौना तेरे लिए बहुत ही जबरदस्त है, मैं यार इसे चला करके थोड़ी देख लेता हूँ। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, ये वाली कार तो यार मेरे को भी बहुत ही ज्यादा पसंद है यार, क्या क्या फंक्शन है। अरे यार सिंचन, इसे चला करके थोड़ा देख लेता हूँ। अरे भाई साहब इसके पीछे तो बूस्टर लगी है बूस्टर, और भाई साहब ये क्या, रेड बटन दबाने से भाई साहब इसके नीचे से तो भाई साहब गोलियां निकलती है, वो भी भाई साहब मिसाइल वाली गोलियां। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, ये ग्रीन वाली कार तो यार बहुत ही जबरदस्त है यार, मैं रखूंगा इसे। अबे यार सिंचन, ये वाली कार तो भाई साहब मैं रखूंगा, तुमको यार कोई दूसरी छोटी सी कार खरीदूंगा यार। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया, ये ग्रीन वाले खिलौना तो भाई साहब मैं ही रखूंगा। अरे यार तुम जल्दी से अब इस ग्रीन वाले खिलौने से उतर जाओ यार, तुम तोड़ देगा मेरे खिलौने को। अरे नहीं यार सिंचन, हट जा, सामने से बहुत ही खतरनाक गोलियां निकलती है भाई साहब इसके अंदर से। अबे यार चुप, तू भी हट जा। अबे यार फ्रैंकलिन, मेरे को दे दे यार ये वाली खिलौना। अरे नहीं यार फ्रैंकलिन भैया, ये खिलौना तो वैसे मैं रखूंगा मैं। अरे यार तुम तोड़ देगा यार, जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरो। अबे यार सिंचन, तू यार इस तरह से क्यों करता है, और भाई साहब मेरे ऊपर गोलियां कौन चला रहा है? अरे यार फ्रैंकलिन भैया, बगल में एक चोर है यार, वो लगता है गाड़ियां चोरी करने के लिए आया था। अरे यार तेरे ऊपर गोलियां चला रहा है वो। अरे भाई साहब तेरी ऐसी की तैसी, रुक बेटी अभी बता रहा हूँ तेरे को, ये ले अब आया ना मजा तेरे को, अभी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अरे यार सिंचन, फाइनली मैंने इस चोर को टपका दिया। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, लेकिन यार दुकान वाला कहाँ भाग गया यार? अरे भाई साहब तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकलो। अरे यार तुम लोग बहुत ही खतरनाक आदमी हो यार। अरे भाई साहब दुकान वाले, लेकिन यार हम लोगों को दो खिलौने तो कम से कम दे दो, मैं अपना मॉन्स्टर कार देना चाहता हूँ तुमको।
अरे यार तुम मेरे सारे खिलौने ले जाओ, मैं यार नहीं जाने वाला तुम लोगों के सामने। अरे यार तुम लोग गुंडा आदमी हो भाई साहब, तुम लोगों के पास में गन है। अबे यार फ्रैंकलिन, ये दुकान वाला भाई साहब तेरे से डर गया लगता है, तेरा गन देखकर वो छुप गया कहीं पर। अरे भाई साहब तुम कम से कम सामने तो आओ, मैं तुम्हें अपना मॉन्स्टर कार देना चाहता हूँ। अरे यार तू बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता हूँ यार। तू मेरे सारे खिलौने ले जा, बस यार तू अपनी मॉन्स्टर कार छोड़ के जाना वहीं पर। अब भाई साहब ये कौन लोग हैं? अरे यार सिंचेन, ये लोग तो भाई साहब इस चोर को जिंदा करना चाहते हैं। तेरी ऐसी की तैसी, इसने मेरे ऊपर गन चलाई और तुम लोग इसे जिंदा करना चाहते हो। अरे यार देखा देखा तुम्हारे पास कितनी खतरनाक गन है। अरे भाई साहब मैं नहीं जाने वाला तुम्हारे सामने। अबे यार फ्रैंकलिन, चल यार इसकी सभी गाड़ियाँ लेकर के चल, भाई साहब इसने अपन लोग को बहुत ही जबरदस्त ऑफर भी दे रखी है यार। अरे हाँ यार चोप और सिंचेन, जल्दी से सभी खिलौने लेकर के तुम लोग यार गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। अरे यार गाइस, ये दुकान वाला भाई साहब फट्टू निकला, अपन लोग की गन दे करके भाई साहब वो तो गायब ही हो गया सीधे। चल कोई बात नहीं यार गाइस, हम लोग अपनी मॉन्स्टर कार को उधर ही छोड़ दिया है और उसके सभी खिलौने लेकर के यार हम लोग जा रहे हैं अब सीधे ग्राउंड। अरे यार फ्रैंकलिन भैया, हम लोग यार अपनी कार को तुमको टेस्ट करने के लिए नहीं देंगे यार, तू बहुत ही खतरनाक गाड़ी चलाता है। ये देखो भाई साहब अभी बाल बाल बच गया। अरे यार हमारे खिलौने को तुम हाथ भी मत लगाना यार। भाई साहब मैं तो अपनी बर्गर कार को इसको छूने तक नहीं दूंगा, मेरा कार को ये तोड़ देगा मेरे को सब पता है। अबे यार चुप, तू अपना मुंह बंद कर समझाना, अपन लोग ग्राउंड इसलिए आए हैं ताकि यार चेक कर सके खिलौने ओरिजिनल है भी या नहीं और खिलौने अच्छे से चलते भी है या नहीं, समझाना। अरे हाँ यार फ्रैंकलिन भैया, ये बात भी तू ठीक ही बोल रहा है यार, टेस्ट भी तो करना जरूरी है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया लेकिन धीरे धीरे चलाना, मेरी गाड़ी यार बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी है यार। हाँ ठीक है चल अब जल्दी से ला अपनी सभी गाड़ियाँ। अरे यार फ्रैंकलिन भैया पहले वो तुम रेड वाली चला करके दिखाओ। ठीक है यार सिंचेन। अबे यार चोप, तेरी बर्गर कार भी बहुत ही जबरदस्त है, एक बार यार मैं उसे भी चला करके देखना ही चाहता हूँ यार। अरे नहीं यार, तू यार सिंचेन की गाड़ियाँ चला करके टेस्ट कर ले, मैं यार अपनी गाड़ी नहीं देने वाला तेरे को। भाई साहब मैं तेरा बर्गर कार तो जरूर चला करके देखूंगा, फिलहाल यार मैं ये वाली गाड़ी चला करके देखता हूँ। अबे यार सिंचेन, भाई साहब गाड़ी तो बहुत ही जबरदस्त है। ओ भाई साहब ये क्या, ये गाड़ी तो भाई साहब छलांग भी लगा लेती है। अरे यार गाइस मैं तो यार इसे बहुत ही हल्के में ले रहा था लेकिन भाई साहब ये गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है। अरे यार फ्रैंकलिन भैया तू यार मेरा गाड़ी तोड़ रहा है यार। अरे यार हो गया बस यार तू उतर जा। अरे यार सिंचेन बस थोड़ी सी और। अरे यार गाइस क्या ही गाड़ी खरीदी है यार सिंचेन ने। अरे भाई साहब बहुत ही मस्त है यार सिंचेन ये वाली गाड़ी। अरे यार फ्रैंकलिन भैया हो गया। अरे यार तू बहुत ही खराब तरीके से गाड़ी चला रहा है यार, मेरा गाड़ी तोड़ रहा है तू। बस यार सिंचेन एक बार भाई साहब बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे थे यार ये वाली गाड़ी चलाने में। अरे यार गाइस भाई साहब मुझे अब उतरना पड़ेगा। अरे यार फ्रैंकलिन भैया हो गया गाड़ी से उतरो यार। अरे यार तुमने मेरी गाड़ी की सत्यानाश कर दी, पूरा तोड़ दिया यार तुमने। अबे यार सिंचेन नहीं टूटी है तुम्हारी गाड़ी, समझाना। अरे यार गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार आप लोग हम लोगों को सपोर्ट करो, जल्दी से जाओ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो यार।